वेलकम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब आते हैं हम अध्याय 6 जो कि रैखिक असमीकाय है। ठीक है, तो देखिए रैखिक असमीकाय मतलब समझ में क्या आ रहा है। इससे पहले हम क्या पढ़ते थे, रैखिक समीकरण। ठीक है, तो रैखिक समीकरण किसे बोलते हैं, देखिए समीकरण जैसे कि एक उदाहरण देता हूं, 5x + 2 = 0। ठीक है, इसको हम समीकरण बोलते हैं। रैखिक यानी कि जिसका हाईएस्ट डिग्री है ना, पावर जो घात होता है उसका एक होता है, जैसे इसका घात अभी हाईएस्ट एक है ना, तो इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, और उदाहरण ले लेता हूं, 3x + 2y = 0। ठीक है, ये भी है, तो ये सब हम पढ़े थे पिछले क्लास में रैखिक समीकरण। ठीक है, अब देखिए यहां क्या दिया है, रैखिक असमीकाय। तो ये असमीकाय मतलब होता क्या है, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा होगा, असमीकाय यानी कि बराबर नहीं होगा, समान नहीं होगा। ठीक है, तो असमीकाय का चिन्ह क्या क्या है, सबसे पहले तो ग्रेटर देन। ठीक है, अब देखिए ग्रेटर देन लेस देन। ठीक है, ग्रेटर देन यानी हमें समझ में कैसे आएगा, देखिए जिस तरफ ये मुंह बंद रहेगा ठीक है, वो उस तरफ का मान जो रहेगा, वैल्यू रहेगा, वो छोटा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो 10 बड़ा है इसलिए इस तरफ का मुंह खुला हुआ है, तो इस तरीके से इस साइन का मतलब हम जान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेटर देन आता है, फिर आता है लेस देन। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन, और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ज्यादा भी होगा और बराबर भी होगा उससे। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू, तो ये 4 मुख्य रूप से असमीकाय का सिंबल चिन्ह है। ठीक है, तो रैखिक असमीकाय अब क्या हो जाएगा, तो देखिए रैखिक असमीकाय यानी कि हमें ऐसा समीकरण के बारे में पढ़ना है जो आपस में एक दूसरे से समान ना हो। जैसे कि ये इक्वल टू के बारे में हम पढ़ते थे, ठीक है, अब असमीकाय, तो इक्वल टू के जगह अब ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगेगा। ठीक है, यानी कि अब कुछ इस प्रकार 5x + 2 > 3। ठीक है, इस टाइप का हम समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है, ये उदाहरण हो गया, दूसरा उदाहरण और देता हूं, 6y + 3x = 5 या > = 5। ठीक है, तो ये जो सिंबल इक्वल टू के जगह ये जो 4 सिंबल यूज होगा, ठीक है, वो रैखिक असमीकाय होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ने के लिए कुछ रूल्स बनाया हूं, कुछ नियम बनाया हूं, उस नियम को हम पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब देखते हैं रैखिक असमीकाय का कुछ नियम। ठीक है, तो देखिए टोटल 5 नियम है। ठीक है, पहला नियम देखिए क्या दिया है, हम असमीकाय के दोनों पक्ष पर जोड़ व घटा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं सबका एक एक उदाहरण लेके बताऊंगा। तो देखिए पहला क्या दिया है, हम असमीकाय के दोनों पक्ष पर जोड़ व घटा सकते हैं, असमीकाय के चिन्ह पर परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे कि हमें एक असमीकाय दिया है 7 > 3, ये सही है। ठीक है, इस असमीकाय में मैं कुछ जोड़ दूं या घटा दूं, फिर भी यहां इस असमीकाय के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखते हैं, देखिए जैसे कि मैं 2 जोड़ता हूं तो 7 + 2 > इस पक्ष में भी मेरे को 2 जोड़ना पड़ेगा, तो देखिए 7 + 2 क्या हो जाएगा, 9 > 3 = 5। अभी भी ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 9 बड़ा है 5 से। ठीक है, तो एक तो सही हो गया, जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब घटा सकते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए 7 - 2 = 3 - 2, तो क्या हो जाएगा, 7 में 2 घटा देंगे बच जाएगा 5 > 3 - 2 = 1। अभी भी स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब असमीकाय के दोनों पक्षों पर कुछ भी जोड़ देने से या कुछ भी घटा देने से इसके चिन्ह पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो चिन्ह पहले प्रश्न में था, हम जोड़ने के बाद या घटाने के बाद दोनों पक्ष में, फिर भी साइन वही रहेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा, हम असमीकाय के दोनों पक्षों पर गुणा व भाग कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव संख्या, ठीक है, यानी कि धनात्मक संख्या को गुणा या भाग कर सकते हैं। तो जैसे कि दूसरा का एग्जांपल लेता हूं, 3 > 1, ये है, ये सही स्टेटमेंट है, गुणा या भाग कर सकता हूं।
चलिए मैं दो गुना करता हूँ दोनों पक्षों में, ठीक है। तो तीन गुना दो ग्रेटर देन एक गुना दो, तो देखिए तीन दूनी छह ग्रेटर देन दो एकम दो, देखिए कोई चेंज नहीं आया और स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसका मतलब दोनों पक्षों में, असमीकरण के दोनों पक्षों में कुछ भी नंबर में गुणा या भाग कर सकता हूं। अब भाग के लिए देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे 10 इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। मैं भाग करता हूं दोनों पक्षों पर 2, ठीक है। तो 10 भागी 2 ग्रेटर देन 6 भागी 2, तो 10 में 2 भाग कर दो कितना बचेगा 5 ग्रेटर देन 3, अभी भी सही है, ठीक है। और इस साइन में कोई चेंजेस नहीं आया असमीकरण में, ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से हम असमीकरण के दोनों पक्षों पर गुणा या भाग कर सकते हैं, ठीक है। क्या पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर को गुणा या भाग कर सकते हैं, तब साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए अब मैंने तीसरा रूल, ठीक है, तो देखिए तीसरा रूल ध्यान से समझते हैं। देखिए क्या दिए, ये डैश किया हूं, इसका मतलब जो दूसरा रूल है वही होगा, बस पॉजिटिव संख्या की जगह नेगेटिव संख्या होगा। तो क्या होगा तीसरा, हम असमीकरण के दोनों पक्षों पर गुणा व भाग कर सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव संख्या। तो ठीक है, मैं जैसे लेके चलता हूं 10 इज ग्रेटर देन 3, ये सही है स्टेटमेंट। अब देखिए कोई नेगेटिव संख्या को अगर मैं गुणा कर दूं तो साइन में परिवर्तन हो जाएगा, ये बोला है। देखिए नेगेटिव संख्या को अगर गुणा कर दूं तो असमीकरण के चिन्ह पर परिवर्तन हो जाएगा। तो देखता हूं माइनस दो गुणा करता हूं, ठीक है, तो 10 गुणा माइनस दो ग्रेटर देन 3 गुणा माइनस दो, तो क्या होगा 10 दूनी 20 यानी कि माइनस 20 ग्रेटर देन 3 दूनी माइनस 6। अब देखिए सही है क्या, गलत है, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों में से बड़ा कौन सा है, माइनस 20 बड़ा नहीं है, माइनस 6 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चिन्ह को बदलना पड़ जाएगा, माइनस 20 इज ग्रेटर देन माइनस 6, तो चिन्ह बदलना पड़ गया। इसका मतलब अगर कोई भी नेगेटिव संख्या, ठीक है, ऋणात्मक संख्या को मैं अगर गुणा या भाग करूं असमीकरण से, तो जो चिन्ह है उसमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। हमको सबको पता होगा बड़ा संख्या क्या होता है, जैसे कि अपन नंबर लाइन लगाते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा जाता है, इधर -1, -2, -3 ऐसा जाता है, ठीक है। हमेशा जो राइट हैंड साइड रहता है उस तरफ का नंबर बड़ा रहता है और लेफ्ट हैंड साइड का नंबर छोटा रहता है, ठीक है। तो -1 बड़ा है, -3 छोटा है, ठीक है। जब माइनस तरफ आता है तो वो चीज उल्टा हो जाता है, बड़ा संख्या छोटा हो जाता है और छोटा संख्या बड़ा हो जाता है, ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये तो गुणा के लिए हो गया, अब ऐसे मैं भाग के लिए भी देखता हूं, तो 10 इज ग्रेटर देन 3। अब कोई भी ऋणात्मक संख्या में भाग कर देता हूं, जैसे कि मैं इसको 5 ले लेता हूं, ठीक है। अब देखिए -5 दोनों तरफ भाग करता हूं, -5, -5, तो इस साइन में चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 10 भागित -5 क्या होगा, ये -2 इज ग्रेटर देन -1, देखिए फिर से गलत हो गया ये। अब मेरे को साइन चेंज करना होगा ना इसके लिए, क्यों, क्योंकि देखिए -1 बड़ा है, यहां -2 को बड़ा शो कर रहे, तो -2 इज ग्रेटर देन -1, तो यहां पे मेरे को असमीकरण को चेंज करना पड़ गया, ठीक है। तो वही बोला गया रूल नंबर 3 में, हम असमीकरण के दोनों पक्षों पर गुणा व भाग कर सकते हैं नेगेटिव संख्या, तब असमीकरण के चिन्ह पर परिवर्तन हो जाएगा, समझ में आया। तो अब देखिए चौथा, देखिए हम दोनों पक्षों में नेगेटिव यानी कि ऋण गुणा कर सकते हैं, ठीक है, तब असमीकरण के चिन्ह पर परिवर्तन होगा। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, 3 ग्रेटर है 1 से, ये दिया हुआ है, अगर हम दोनों पक्षों में ऋण गुना करते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि ये ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा। देखते हैं अगर दोनों पक्षों में मैं ऋण गुना करूं तो -3, -1, ये सही है क्या, नहीं गलत है, -1 बड़ा है तो मेरे को चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, तो -3 smaller than -1, तो असमीकरण में चेंजेस हो गया ना, तो बस यही बोला गया। एक उदाहरण और ले सकते हैं, अगर पहले से ये -3 और -1 में दिया रहेगा, ठीक है, ऐसा दिया होगा, तो माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, तो -3 - -1, तो ये हो जाएगा 3 और 1। अब देखिए यहाँ पे ये चिन्ह गलत हो गया, क्योंकि 3 बड़ा है, पॉजिटिव में है ना, तो 3 बड़ा है 1 छोटा है। तो देखिए यहाँ पहला लाइन और लास्ट लाइन देखिए,
ये असमीकाय में चेंजेस आ गए, चिन्ह परिवर्तन हो गया, तो वही चीज बोला है, हम दोनों पक्षों में अगर ऋण गुना करते हैं तब असमीकाय के चिन्ह पर परिवर्तन होगा। अब देखिए पांचवा रूल क्या बोला है, पांचवा नियम, दोनों पक्षों को रेसिप्रोकल करने पर। तो रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं, रेसिप्रोकल यानी कि जो अंश होता है वो हर में हो जाता है और जो हर होता है वो अंश में हो जाता है। जैसे कि 3/5 है, इसका मैं रेसिप्रोकल बोलूं तो क्या होगा, 5/3, ठीक है। और वैसे ही अगर 3 का रेसिप्रोकल बोलूं तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3, ठीक है। इसके हर में क्या है, 1 है, वो अंश में चले गए, ये हर में आ गया, तो इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए अगर दोनों पक्षों को रेसिप्रोकल कर दिया जाए, जैसे कि 3 और 1 ये दिया हुआ उदाहरण में, इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो असमीकाय के चिन्ह पर परिवर्तन होगा, ये बोला गया है। चेक करते हैं, देखिए रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/3 हो जाएगा और 1/1, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में से बड़ा कौन सा है, देखिए ये 1/1 मतलब कि 1, तो 1 बड़ा होगा ना 1/3 से, 1/3 तो कुछ 0. कुछ आएगा, तो यहाँ पे असमीकाय को चेंज करना पड़ जाएगा, 1/3 फिर बड़ा क्या होगा, 1। तो देखिए पहला लाइन और लास्ट लाइन, जो ग्रेटर देन था वो लास्ट लाइन में लेस देन हो गया, ठीक है। इसका मतलब दोनों पक्षों को रेसिप्रोकल करने पर असमीकाय के चिन्ह पर परिवर्तन होता है। तो ये 5 रूल, 5 नियम हमें याद रखना होगा, ठीक है, बहुत इजी है। अगर ये 5 रूल आ गए ना तो प्रश्नावली 6.1 पूरा अच्छे से बन जाएगा। अब आते हैं हम प्रश्नावली 6.1। तो देखिए 6.1 का प्रश्न करने से पहले हमें 3 चीज अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। पहला, प्राकृत संख्या क्या होता है, ठीक है, प्राकृत संख्या। दूसरा, वास्तविक संख्या। और तीसरा, पूर्णांक। देखिए पूर्णांक संख्या, ये तीनों होता क्या है। सबसे पहले तो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेके 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसका मतलब प्राकृत संख्या हमेशा पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक रहेगा और 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। अब दूसरा आते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या यानी कि सब संख्या, सभी संख्या, सभी संख्या यानी कि जो दशमलव में भी होता है ना, जो पॉइंट में भी आता है वो भी, तो हम उसको बोल सकते हैं 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा, 1.3, 1.3.1.32 सब संख्या हो सकता है, ठीक है। यानी कि वास्तविक संख्या को हम बोल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, सभी संख्या कवर अप हो जाएगा। इसमें नेगेटिव संख्या भी आएगा, यानी कि -1.1, -1.12, ठीक है, तो सभी संख्या आ जाएगा वास्तविक संख्या में, समझ आया। अब देखिए पूर्णांक, पूर्णांक किसको बोलते हैं, पूर्णांक यानी कि इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, लेकिन ये दशमलव में नहीं होगा बस, जैसे कि -3, -2, -1, 1, 2, 3 जीरो भी होगा, ठीक है, 4, 5 तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो फर्क समझ में आया वास्तविक संख्या और पूर्णांक में, वास्तविक संख्या में दशमलव भी आएगा और पूर्णांक में खाली बस जो नंबर रहेगा वो आएगा, दशमलव नंबर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए प्राकृत संख्या पॉजिटिव संख्या होगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये तीनों संख्या के बारे में हमें जानना जरूरी था। अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है, 24x smaller than 100, इसे हमें इस असमीकाय को हल करने, ठीक है। फिर दो केस पूछा है, एक इसमें प्राकृत संख्या पूछा है और पूर्णांक संख्या पूछा है, x का मान, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो देखिए क्या दिया है, 24x is less than 100, हम क्या करेंगे, हमें x का मान चाहिए, तो ये x का मान कैसे आएगा, तो x का मान कैसे आएगा, x को यहाँ पे अकेले रखना पड़ेगा, तो ये 24 से जो गुना में है इधर जाके भाग में हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक तरीका और है, मैं दोनों तरफ 24 को भाग कर देता हूँ, ठीक है। और हमें रूल नियम पता है कि असमीकाय के दोनों पक्षों पर पॉजिटिव है ना, धनात्मक संख्या को भाग देने पर असमीकाय में कोई चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो मैं पॉजिटिव संख्या भाग कर दूंगा, यानी कि 24 पॉजिटिव संख्या है, ठीक है, 24 को दोनों पक्ष पर भाग देने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 24x भागित 24
ठीक है, 24 और 24 कैंसिल हो गया, x इज ग्रेटर देन, अब देखिए ये किससे, 2 से कैंसिल होगा, ये 12 दूनी 24, ये हो गया 50, फिर 2 से 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 25, यानी कि 25 भागी 6, ठीक है, इसको मैं भाग करूंगा क्या आएगा, x बराबर 6 चौक 24, तो 6 4.1, तो x का मान कितना है 4.1, तो x सॉरी ये बराबर नहीं होगा ना, ये होगा स्मॉलर देन का साइन, इसका मतलब x हमें ऐसा पढ़ना होगा, x के सामने ये जो चिन्ह है वो क्या है, स्मॉलर देन का है, तो x का मान जो भी मान होगा वो कम होगा, स्मॉल होगा, किससे, 4.1 से, ठीक है। तो पहला केस क्या पूछा है, प्राकृत संख्या के लिए x का मान, ठीक है, तो प्राकृत संख्या के लिए क्या होगा देखते हैं, x बराबर, देखिए जो भी मान आएगा उसे हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, तो देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होगा एक से लेके इन्फिनिटी तक, ये पता है हमें, तो देखिए x का मान छोटा होगा 4.1 से, तो 4.1 से छोटा संख्या इसके अंदर में क्या आएगा, तो 4.1 से छोटा क्या है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है, 0, 1, 2, 3, -1, 2, 3 तो आता नहीं है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, 1, 2, 3, 4, ये हो गया उत्तर, समझ में आया, प्राकृत संख्या ये है, ठीक है, जो कि 4.1 से कम है, पहला आंसर आ गया। अब देखते हैं दूसरा क्या पूछा था उसमें, पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है, बस दशमलव में नहीं होना चाहिए, तो 4.1 से छोटा एक्स का मान, तो क्या क्या हो जाएगा 4.1 से, तो देखिए सबसे पहले तो ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, तो इसको मैं डॉट 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 लिख सकता हूँ, ठीक है, फिर जैसे कि मैं लिखता हूँ 4.1 से छोटा, तो -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4 मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, ये 4 तक जाएगा और स्टार्ट कहाँ से होगा, माइनस इन्फिनिटी से, इसलिए यहाँ पे डॉट 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 किया हूँ, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 तक बस जाएगा, 4 से आगे नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि x का मान 4 से कम है, ठीक है, समझ आया, तो इस तरीके से बनेगा पहला प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, तो देखिए क्या दिया है, -12x इज ग्रेटर देन 30, ठीक है, जिसके लिए हमें पहला प्राकृत संख्या और दूसरा पूर्णांक संख्या निकालना होगा x का मान के लिए, ठीक है, तो देखते हैं इसे हल करते हैं, सबसे पहले x का मान निकालते हैं, तो प्रश्न में क्या दिया है, -12x इज ग्रेटर देन 30, हमें x का मान निकालना होगा, तो x का मान निकालने के लिए इस x को अकेले करना होगा, ठीक है, तो मैं दोनों तरफ -12 भाग कर देता हूं, तो जो कि -12 यानी कि ऋणात्मक संख्या को भाग दे रहा हूं, तो असमीकाय के चिन्ह पर परिवर्तन होगा, ये हम नियम में पढ़े हैं, ठीक है, तो -12 से दोनों पक्षों पर भाग देने पर, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, -12x/-12 ग्रेटर देन 30/-12, ठीक है, तो देखिए यहां -12 और -12 तो कट गया, तो x बराबर, एक चीज ध्यान रखना होगा हमें, नियम क्या बोला था कि अगर कोई भी नेगेटिव यानी ऋणात्मक संख्या को दोनों पक्षों पर भाग करता हूं तो जो असमीकाय का चिन्ह है वो परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, तो ये जो असमीकाय का चिन्ह जो ग्रेटर देन था वो स्मॉलर देन हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए x स्मॉलर देन, इसको हम आगे हल करेंगे, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 से फिर 2 से, तो 5/2 और सामने माइनस भी है, तो -2.5 हम ये बोल सकते हैं, तो x का मान क्या होगा, कैसे पढ़ते हैं इसको, x के दृष्टिकोण से अगर इसको देखें इस चिन्ह को तो छोटा है, तो x का मान छोटा होगा -2.5 से, ठीक है, तो पहला हमें क्या निकालना है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या यानी कि प्राकृत संख्या के लिए क्या होगा, प्राकृत संख्या क्या होता है, नेगेटिव नंबर नहीं होता ना, पूरा पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, तो पूरा पॉजिटिव नंबर, तो x का मान छोटा होगा -2.5 से, तो -2.5 से छोटा प्राकृत संख्या होता ही नहीं है, क्योंकि 2.5 -2.5 से छोटा संख्या क्या होगा, -3, -4, -5, -30 ये सब होते जाएगा, ठीक है, इस तरफ तो आएगा ही नहीं पॉजिटिव तरफ, इसका मतलब प्राकृत संख्या हमें इससे नहीं मिलेगा, तो नो सॉल्यूशन यानी कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है पूर्णांक,
तो देखिए पूर्णांक यानी कि इंटीजर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बस दशमलव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो x बराबर, देखिए x का मान छोटा है माइनस 2.5 से, ठीक है। तो माइनस 2.5 से छोटा संख्या क्या होगा, माइनस 3 होगा, आगे माइनस 2 नहीं होगा क्योंकि माइनस 2 बड़ा हो जाएगा माइनस 2.5 से। तो माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 ये कहां तक जाते जाएगा, इंफिनिटी तक। तो मैं डॉट 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 ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये पहला आंसर कोई हल नहीं, दूसरा ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3, ठीक है। माइनस 2 नहीं होगा, माइनस 2 अगर होगा तो x से बड़ा हो जाएगा, तो इस केस को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया है, 5x माइनस 3 स्मॉलर देन 7, ठीक है। हमें दो चीज निकालना है, एक पूर्णांक और दूसरा वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले x का मान निकालते हैं। तो देखिए 5x माइनस 3 ग्रेटर देन 7, हमें x का मान निकालना है, तो x एक तरफ बाकी सबको एक तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 5x ग्रेटर देन इधर देखिए 7, ये माइनस 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 3, साइड शिफ्ट हो गया, ठीक है। और हमें रूल नंबर 1 पता है कि दोनों पक्षों पर कोई भी जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। और इसके जो असमीकाय का चिन्ह है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए साइड शिफ्टिंग, ठीक है, पक्षांतर पॉसिबल है बिना चिन्ह के चेंज हुए। तो 7 3 कितना जाएगा 10, हमें x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए तो 5 हमें यहां से हटाना होगा, तो 5 को मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा यानी कि भाग कर दूंगा, जो कि पॉजिटिव संख्या को भाग कर रहा हूं, तो असमीकाय में कोई चेंजेस परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये x भागित 10 भागित 5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज स्मॉलर देन 2, ये आ गया। अब दो चीज निकालना है हमें, सबसे पहले पूर्णांक। तो देखिए पूर्णांक क्या होता है, माइनस 1 माइनस 2 जो भी होगा, बस दशमलव में नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बाकी नंबर होगा। तो x का जो मान होगा वो छोटा होगा, स्मॉलर होगा 2 से, तो 2 से छोटा क्या क्या होगा, सबसे पहले तो 1 होगा, ठीक है, फिर 0 माइनस 1 माइनस 2, ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक, ठीक है। तो x बराबर ये डॉट 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 यानी कि इंफिनिटी तक जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 0 1, ठीक है। अब 2 नहीं हो सकता, अगर यहां पे इक्वल टू भी रहता ना, अगर इक्वल रहता तो 2 लिखता मैं, ठीक है, जो कि 2 नहीं है, तो ये ब्रैकेट लगा दूंगा, 1 तक ही लिखूंगा। अब देखते हैं दूसरा वास्तविक संख्या। तो देखिए वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या में सभी नंबर आ जाएगा, दशमलव का नंबर भी आएगा, ठीक है, इसलिए इसको हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट नहीं बल्कि बिग ब्रैकेट से बनाते हैं, ठीक है। बिग ब्रैकेट मतलब ये होता है कि वो जो यहां पे पहला संख्या जो आएगा वो इंक्लूड नहीं है इसमें, ठीक है, वो संख्या नहीं आएगा। तो माइनस इंफिनिटी के लिए हमेशा नॉट इंक्लूडेड साइन तो लगाना पड़ेगा, ठीक है, माइनस इंफिनिटी जब भी होगा तो उसके लिए हमें ये बिग ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी से जाएगा कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा, 2 इंक्लूड नहीं होगा मतलब कि ब्रैकेट बिग ब्रैकेट आएगा, ठीक है। अगर यहां पे इक्वल टू रहता, 2 इंक्लूड होता, तो हमें ये ब्रैकेट लगाना पड़ता, मीडियम ब्रैकेट, ठीक है, जो कि यहां पे 2 इंक्लूड नहीं करना है, तो ये ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 2 और 3 बनेगा।